तो भारत बहुत ही महान नेता प्रणब मुखर्जी जी के आवास पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं और बहुत दुख हो रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो, जो राष्ट्रवादी विचारधारा को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने जन जन के दिलों में राज किया और देश के राष्ट्रपति के रूप में भी अपना बहुत बड़ा छाप छोड़ करके गए। आज हम लोग बहुत उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे परमात्मा, ताकि आने वाला पीढ़ी जो है उनको याद करके और अच्छे सेवा जो है राष्ट्र सेवा की तरफ आगे उनको याद करके आगे बढ़ें, यही भावना हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। आप बताइए, प्लीज टेल भूमिनाथन, यू फ्रॉम चेन्नई, वणक्कम। இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு அடையாளம், இந்திய நாட்டினுடைய ஒவ்வொருடைய மனசுலையும் பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவரை வந்து இந்த நாடு வந்து இழந்திருக்கு. இந்த தலைவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலே தன்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் இந்திய நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்ட ஒரு மாமனிதர். மனிதர் மாமனிதராகிறது வந்து அவங்களுடைய பண்புகளால். எத்தனையோ பணிகள் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்டால் கூட ஒவ்வொரு பணிகளும் இவருடைய பண்புகளால் சிறப்பிக்கப்பட்டது என்பதுதான் உண்மை. அப்பேற்பட்ட மாமனிதர் எங்களுடைய நிறுவனத்திற்கும் வந்து எங்களையும் ஆசீர்வதித்து எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் நன்கு பணிபுரிய வேண்டும் என்று ஆசீர்வதித்தார். அதன்படி அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்குவதில் நிச்சயமாக பங்குபெறுவோம். இந்த நேரத்தில் இவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் இந்திய நாட்டினுடைய ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் அவருடைய நண்பர்களுக்கும் அது ஆழ்ந்த இடங்களை அவருடைய ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பகவத் பாவ விவரத்தை நான் ஆப் சப்கே சாம்னே தேசக்கே 13வே ராஷ்டிரபதி பரம ஆதரணீய प्रणवदा के आत्मा को शांति हो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आचार्य शैलेश तिवारी पिछले 15-16 वर्षों से उनसे व्यक्तिगत रूप से इमोशनली रूप से जुड़ा हुआ था। देश के एक ऐसे सपूत जिन्होंने राष्ट्रवाद को प्रथम स्थान दिया, जिन्होंने देश सेवा में भारत का गौरव स्थापित किया, भारत के वित्त मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने गौरव स्थापित किया। ऐसे राष्ट्रवादी नेता भारत में कम जन्म लेते हैं जिन्होंने देश की सेवा करते करते अंत अंत तक देश की सेवा उन्होंने की। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि माँ भगवती के बहुत बड़े भगत थे, कि उनकी आत्मा को शांति हो, प्रण दादा अमर रहें। यही कामनाओं के साथ हर हर महादेव।